नमस्कार दोस्तों, हमारा ऑटो क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 4 का रिव्यू। आपको पता है कि मैं रिव्यू में केवल आपको ये बताता हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो देता जाता हूँ। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो क्लास 11th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 का रिव्यू जानेंगे, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये है किंगडम के बारे में, ये लास्ट किंगडम है और काफ़ी वेरियस ऑर्गेनिज्म भी रखता है और ये काफ़ी मैं तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास कई सारे फाइलम हैं और उन फाइलमों के कई सारे नाम भी हैं, जैसे कि हमारे पास पूरे टोटल 11 फाइलम हैं और इन सब के फाइलम वाइज फाइलम मैं आपको वीडियो देता जाऊँगा क्योंकि मुझे कमेंट करना पसंद है नहीं। और अभी मैं जो फाइलम है उनके नाम बता देता हूँ। पहला फाइलम पॉरीफेरा है, दूसरा सीलेंटेटा जिसको हम नाइडेरिया भी कहते हैं, तीसरा फाइलम हमारे पास टेनोफोरा आता है, चौथा फाइलम जो होता है वो होता है प्लेटीहेलमेंथिस, फिर आता है एस्केहेलमेंथिस, फिर एनालीडा, फिर आर्थोपोडा, फिर मॉल्सका, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये हैं हमारे पास सारे के सारे फाइलम। अगली वीडियोस में मैं आपको इनके जो याद करने का जो वो है पैटर्न, जैसे कि हमारे पास शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, कुछ जो फॉर्मूले बना देते हैं वो भी मैं आपको दे दूंगा। वैसे इतना टफ है नहीं, आपको आसानी से याद हो जाना चाहिए। तो बस दोस्तों ये था हमारा पूरा का पूरा रिव्यू। आपको लग रहा होगा वीडियो काफ़ी छोटी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल छोटी है, और मुझे बस आपको इसमें बताना था कि हम क्या क्या पढ़ेंगे एक्चुअल में, ठीक है ना। तो बस दोस्तों ये है हमारा रिव्यू चैप्टर नंबर 4 का, और अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे।